अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नसस के व्लॉग्स और मैं हूँ आपका भाई नसमास। काफ़ी अरसे से हम व्लॉगिंग कर रहे हैं लेकिन हमारे पास कैनन 200D मार्क 2 था और इसके साथ जो हमें डिब्बे के साथ किट लेंस आता है उसी से हम व्लॉग शूट करते रहे। लेकिन काफ़ी अरसे से मैं सोच रहा था कि जो जिस तरह की हमारी शूटिंग होती है जैसे ट्रैवल व्लॉग्स या फूड व्लॉगिंग है तो इस बारे में हमें चाहिए था एक किट लेंस और आज हमारे पास पहुंच चुका है 20mm का किट लेंस जो मैंने बाय किया है। कहां से आपको मैं दिखा दूं, ये है जी अपना मानसेरा कैमरा सेंटर का आपको दिख रहा है। तो यहां से हमें मिला है ये किट अपना 20mm का वाइड एंगल लेंस जो है और 22000 का हमें मिला है यहाँ वाकेंड में। सो बिलाल भाई बहुत शुक्रिया, आपका पार्सल मुझे भेज चुका है। अब करते हैं भाई इसे अनबॉक्स और इसके बाद हम इसका रिव्यू भी बनाएंगे लेकिन रिव्यू वाला वीडियो में फिलहाल के इसको करते हैं अनबॉक्स और आपको इसकी कंडीशन दिखाते हैं। तो चलिए पार्सल लो भाई, ये हमने कर ली अनबॉक्सिंग और हमारा ज़बरदस्त किस्म का ये मिला हमें 20mm का कैनन का लेंस जिसका अपर्चर है 2.8 और बड़ा ज़बरदस्त है। मैंने इसे चेक किया है उस पर कैमरा पे तो नहीं चेक किया लेकिन इसकी जो कंडीशन है और जिस प्राइस में मुझे मिला है बीच में बहुत बड़ी प्राइस में इन्होंने मुझे प्रोवाइड किया है। मानसेरा कैमरा सेंटर वालों का भी शुक्रिया और बिलखसूस बिलाल भाई का। और ये लेंस है, मैं आपको दिखा दूँ एक बार प्रॉपरली। तो मुझे बेसिकली जो नीड थी वो इसलिए थी कि सबसे पहले तो मैं जहाँ शूट कर रहा हूँ ये मेरा छोटा सा स्टूडियो का सेटअप था, इसमें भी मुझे वाइड एंगल ज़रा चाहिए था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने टोकिना 1116 की तरफ सोचा कि वो मैं लूँ लेकिन बिलाल भाई ने मुझे ये प्रेफर इस तरफ किया कि यार आप सजेस्ट इस तरफ किया कि आप कैनन का 20mm ले लें। हाँ अगर कुछ अर्सा आप ट्राई करें इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा और अगर ना पसंद आए तो बिलाल भाई से मेरी ये डील भी थी अगर वो ब्लॉग देखें तो कि मैं उन्हीं को ये वापस करूँगा। अब वो भले 10,000 का लें 15,000 का लें, मैंने उनसे 22,000 का लिया है। और बाकी ये अल्ट्रासोनिक है USM STM और USM में फ़र्क होता है ना। बहरहाल लेंस अच्छा है, कंडीशन इसकी अच्छी है, प्राइस भी अच्छी है। सो इसको टेस्ट करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।